सरकार से जब देश के लोग मांग करते हैं कि महंगाई कम कीजिए तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं किसानों का कर्ज माफ कीजिए तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। देश के लोग जब कहते हैं अग्निवीर जैसी योजना इस देश के नौजवानों के साथ और भारतीय सेना के साथ एक धोखा है सरकार का, इस योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली कीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। इस देश के कर्मचारी मान्यवर करोड़ों की संख्या में सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पुराने पेंशन की बहाली कीजिए, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपकी पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर सकते। इस देश के रेड़ी पटरी वाले जब कहते हैं हमारे ऊपर कर्जा है, छोटी मोटी दुकान लगा के हम अपना रोजगार चलाते हैं, हमारे कर्ज को माफ कर दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। जब इस देश के छात्र मान्यवर कहते हैं कि हम कर्जा लेके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, गरीबी में है, मुसीबत में है, हमारा कर्जा माफ कर दीजिए, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, छात्रों का कर्जा माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वो अजय यादव छात्र जो अपने हक के लिए वहां की विश्वविद्यालय के छात्र संघ की बहाली की मांग कर रहा है, उस पर 35 मुकदमे आपने कर दिया, 35 मुकदमे छात्रों के ऊपर आप कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। हरियाणा का नौजवान हो, चाहे पंजाब का नौजवान हो, चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार का नौजवान हो, मान्यवर अगर वो कहता है, राजस्थान का नौजवान कहता है ये अग्निवीर की योजना हमारे साथ धोखा है, पुरानी सेना की बहाली कीजिए, आप कहते हैं पैसा नहीं है। मैं आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आपके लिए शिक्षा के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, इलाज के लिए पैसा नहीं, मैं आज पूरे देश को बताना चाहता हूं कि आपका पैसा कहां गया, कहां बैंकों में जमा हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा कहां गया। मैं इतनी ही बात कह के आज अपनी बात को खत्म करूंगा। मान्यवर, एक योजना इन्होंने निकाली, हेयर कट योजना, अंग्रेजी में उसका नाम दिया हेयर कट, यानी बड़े बकायेदार जो हजारों करोड़ के बकायेदार हैं उनका हेयर कट, यानी मामूली कर्जा उनका माफ करके ज्यादा कर्जा उनसे वसूला जाएगा। इसकी सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई क्या है मान्यवर? 5,44,000 करोड़ रुपए का कर्जा 43 कंपनियों का बाकी था, मात्र 43 कंपनियों का, और उसमें से 3,53,000 करोड़ रुपए इन लोगों ने माफ कर दिया। 3,53,000 करोड़ मान्यवर, यह पैसा उतना पैसा है मान्यवर जिससे देश भर के रेड़ी पटरी वालों को राहत दी जा सकती है। यह पैसा उतना पैसा है मान्यवर कि अग्निवीर योजना को खत्म करके पुरानी सेना की बहाली की जा सकती है। यह पैसा उतना पैसा है जितना कांग्रेस की सरकार में 70,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ किया गया था। 5 बार ऐसे किसानों का कर्जा 70,000 करोड़ रुपए माफ किया जा सकता है, उतना कर्जा आपने मात्र 43 कंपनियों का माफ कर दिया।